वाइंस मैं दीपक और आप लोग देख रहे हैं टीबीसी वाइंस नहीं डीएसके टॉक्स। जी हाँ, इस चैनल का नाम मैंने टीबीसी वाइंस से हटाकर रख दिया है डीएसके टॉक्स। यहाँ पर हम करेंगे डीएसकशन यानी कि डिस्कशन, वो भी इन डीएसके स्टाइल यानी कि मेरे ही अंदाज में। अब आप सोच रहे होंगे भाई नाम क्यों चेंज कर दिया। अब मेरे चैनल का नाम था टीबीसी वाइंस यानी कि द बकचोदी वाइंस। सो अब मैं बकचोदी तो करता नहीं हूँ, अब आपको तो पता ही है मैं महासंस्कारी दीपक हूँ जो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट और तथ्य पर बात ही करता है, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रख दिया डीएसके टॉक्स। तो डीएसके टॉक्स में आज हम बात करेंगे शेर के ढेर होने की। जी हाँ, यानी कि हिना खान और सिर्फ हिना ही ढेर नहीं हुई है, ढेर होने में हिना को कड़ी टक्कर दे रही है हमारी टीम इंडिया जो कि अफ्रीका में नाक कटा रही है। तो आइए बातें शुरू करते हैं। अब मैंने इस बारे में काफी सोचा यार बिग बॉस के बारे में कब तक बात करेंगे, लेकिन भाई बिग बॉस में तो हर दिन नई चीज निकल के आ रही है तो बातें करना तो लाजमी है। अब क्या है कि सारे सेलिब्रिटीज जो बिग बॉस में थे सब बाहर आ गए हैं, सब इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो हिना खान ने एक कॉन्ट्रोवर्सी फैलाई थी कि यू नो सलमान हैज सेड दैट देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 1000 वोट्स। मतलब कितने थाउजेंड, 100,000, 200,000, 1,000,000, 5,000,000, कितने थाउजेंड का डिफरेंस था ये हिना खान ने नहीं कहा और ना ही उन्होंने बताया। तो खिसियानी बिल्ली जैसे खम्मा नोचती है वैसे ही वो भी नोच रही है। आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, अब मैं जानता नहीं हूँ कि इस बात में कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन कई मीडिया पोर्टल्स ने ये न्यूज कवर की है और इस बारे में लोगों ने बातचीत की है। बात ये हुई थी कि जब बिग बॉस के घर से हिना खान और शिल्पा शिंदे बाहर आ रही थी और जब उन्हें बैक एंड टीम से पता चला कि शिल्पा इज लीडिंग विद अ ह्यूज मार्जिन, तो हिना खान ने थोड़े से नखरे दिखाना शुरू कर दिए और स्टेज पर आने से पहले हिना खान ने काफी नखरे दिखाए, काफी ज्यादा उन्होंने फुटेज खाए उस टाइम पर। तो अब स्टेज पर आने में डिले ना हो इसके लिए सलमान खान और एनएमओ की टीम ने आनंद फानंद में 10 मिनट के लिए वोटिंग लाइन ओपन कर दी। इस 10 मिनट में टीम ने हिना को समझाया बुझाया होगा जो भी किया होगा, और इधर स्टेज पर सलमान खान ने सिचुएशन संभाली 10 मिनट के लिए वोटिंग लाइन ओपन करके। तो अब हिना नखरे दिखा रही थी, ऑब्वियस सी बात है सलमान को ये पता तो चल ही गया होगा, इसीलिए सलमान ने सिचुएशन को लाइट करने के लिए माहौल को ठंडा रखने के लिए ये कह दिया कि सिर्फ 1000 वोटों का डिफरेंस था। अब कितने हजार ये सलमान ने भी नहीं कहा था, आप चाहें तो वो फुटेज बार बार देखिए, सलमान कह रहे कि कुछ हजार का डिफरेंस। अब ये कुछ हजार का डिफरेंस सिर्फ उस 10 मिनट की वोटिंग में था या कहां था ये किसी को नहीं पता। और कई लोगों ने मुझसे ये कहा था कि दीपक भाई या दीपक बाबू आपको पता चला कि कितने वोटों का एग्जैक्ट डिफरेंस था, तो भाई वोटों की गिनती तो मैंने की नहीं है और ना ही मैं ऑथोराइज था उसके लिए, लेकिन मुझे गुप्त सूत्रों ने बताया है कि शिल्पा शिंदे के टोटल नंबर ऑफ वोट से तकरीबन 1,39,00,000 और हिना खान के टोटल नंबर ऑफ वोट से तकरीबन 60,00,000 के कुछ ऊपर। सो अगर डिफरेंस देखा जाए तो तकरीबन 70,00,000 से 72 या 73,00,000 का डिफरेंस है दोनों के नंबर ऑफ वोट्स में। अब ये 7,000,000 में कितने होते हैं ये तो हिना खान को ही पता होगा क्योंकि उनके जितना गणित तो हमने नहीं सीखा भाई, डायरेक्ट 60 को 600। तो भाई इस तरह से शेर खान हो गया ढेर खान। अब ढेर से याद आया कि अकेली हिना ही नहीं है जो ढेर हो गई है, ढेर तो हमारी टीम इंडिया भी हो रही है। आपको तो पता ही है ना टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में गई है झंडा गाड़ने गई थी, नाक कटवाने गई थी, साला ये पता नहीं चल रहा है कि हमारी टीम के कप्तान विराट कोहली, कोच रवि शास्त्री, हार्दिक पांड्या बड़े बड़े बड़बोले गए हैं हमारी टीम में, बड़ी बड़ी बातें करते हैं मीडिया के सामने, you know, we are going there as a team and we will try to win the series, this is the best opportunity, this is the best team we have, and hopefully we will be able to pull it off and we will become the team That has beaten South Africa and South Africa in a test series. तो भैया बड़ी बड़ी बातें करके गई थी टीम इंडिया विराट कोहली की, ना कोई तैयारी ना कोई प्रिपरेशन, आपको तो पता ही होगा साउथ अफ्रीका जाने के पहले ही विराट कोहली की शादी थी तो कप्तान लगे थे शादी में, बाकी टीम लगी थी मौज मस्ती ऐशो आराम, मॉडलिंग की शूट, एडवर्टाइजमेंट, फोटो शूट, ये शूट वो शूट, क्रिकेट की प्रिपरेशन क्यों करे भाई क्यों। श्रीलंका को तो हराया था हमने, ऑस्ट्रेलिया को हराया था, कहां पर, अपने ही घर में। तो भाई टीम इंडिया घर की शहरी तो दुनिया जानती है, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, इंग्लैंड को हरा दिया, हमने अभी रिसेंटली श्रीलंका को हराया था, हमने श्रीलंका में भी हराया था और श्रीलंका को इंडिया में भी हराया था, तो हमारी टीम को ना बड़ा कॉन्फिडेंस एकदम माथे चढ़ गया था सर पे। अब इसी कॉन्फिडेंस को लेकर हम पहुंच गए साउथ अफ्रीका बगैर तैयारी बगैर प्रिपरेशन, पहली टेस्ट में टारगेट मिला था 250 के ऊपर का, उसमें भी 16 से हार गए।
टीम सिलेक्शन पर बड़े सवाल उठे थे कि अजिंक्य राणे को क्यों नहीं खिलाया, क्यों नहीं खिलाया, इनके किसी ने जवाब दिए नहीं। दूसरा टेस्ट भी शुरू हो गया, उसमें भी अजिंक्य राणे को नहीं खिलाया और जो इनफॉर्म बॉलर था, इनफॉर्म ऑलराउंडर था भुवनेश्वर कुमार, उन्होंने फर्स्ट टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म किया था सबने देखा था, लेकिन उनको पता नहीं किस रीजन से बाहर निकाल दिया और लिया जिसको ईशांत शर्मा को खिलाओ भाई, बड़ा लंबा बॉलर है, लंबी हाइट है, बाउंस निकालेगा, घंटा निकाला। भाई घंटे से याद है कि टीम इंडिया के बैट्समैन बस पिच पे गए और घंटियां बजा बजा के वापस आ गए। भाई ऐसा मोस्टली होता नहीं है कि कोई विजिटिंग टीम साउथ अफ्रीका जाए और सिर्फ 250 से 300 के बीच का टारगेट चेस करने को मिले और ऑलमोस्ट दो दिनों का समय हो, लेकिन दो बार हमारी टीम के साथ ऐसा हुआ। दोनों ही टेस्ट मैच में हमको तकरीबन 250 से 300 के बीच का टारगेट मिला और दोनों ही मैचों में हमारी टीम 100 रन से ज्यादा के डिफरेंस से हार गई। टीम के बैकबोन चेतेश्वर पुजारा इस सेकेंड टेस्ट में रन आउट हो गए, पता नहीं इनकी फिटनेस पे कौन काम करता है और पता नहीं मुझे कि हमारा टीम का सपोर्ट स्टाफ वहां क्या करने गया है, है? इस मामले में किसी के ध्यान ही नहीं। हो सकता है सपोर्ट स्टाफ साउथ अफ्रीका की लड़कियों को देखने में ही मगन हो क्योंकि टीम के ऊपर इनकी कोचिंग का कोई असर नहीं दिख रहा है। हाँ देखिए टीम के जो खिलाड़ी है ना, इनकी ग्रूमिंग, इनकी हेयर स्टाइल, इनकी दाढ़ी की स्टाइल, इनकी इंग्लिश बोलने का सलीका, इस पे खूब ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ये चूतिया ब्रिगेड जो करने गई है ना उस पे किसी का ध्यान नहीं गया। दो टेस्ट हम हार गए हैं, अगला भी हार जाएंगे, हो सकता है वनडे सीरीज भी हार जाए, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारी टीम इंडिया वापस इंडिया आएगी, इंडिया में फिर से जीतना शुरू कर देगी, मीडिया और तमाम लोग इसी टीम को फिर से सरक पर चढ़ा लेंगे, यही रिवाज रहा है, क्योंकि हमारी टीम है घर की शेर और जो बाहर जाते ही हो जाती है ढेर। तो आजकल मार्केट में दो ही लोगों की खबर है भैया, एक हिना खान की और एक टीम इंडिया की, अच्छे कामों की वजह से नहीं, इनकी गलतियों की वजह से, क्योंकि ये दोनों ही बनते हैं घर के शेर, लेकिन हकीकत में ये दोनों ही हो गए हैं ढेर। अब इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, मैंने जो अपने चैनल का नाम चेंज किया है इसके बारे में आपको क्या कहना है बताते रहिएगा, देखते रहिए DSK Talks।